गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास हिस्ट्री के द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पार्ट टू के वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। इसका जो पहला पॉइंट है, सूरत मसूली पटना में हुगली वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स विच वर यूज फॉर ट्रेड। सूरत मसूली पटना और हुगली इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे जो व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। सेकेंड पॉइंट, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमास्तास टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाइज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गुमास्तास अपॉइंट किए गए थे जो वीवर्स यानी कि बुनकरों से काम निकलवाते थे और क्लोथ की यानी कि कपड़े की क्वालिटी को एग्जामिन करते थे। इन 1811 to 12, थर्ड पॉइंट, द शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय 33% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड बाय 1850 इट वॉज नो मोर देन 3%। फोर्थ पॉइंट, कॉटन एंड जूट मिल्स वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इन इंडिया। कॉटन और जूट मिल सबसे पहले भारत में ही इस्टैब्लिश की गई थी। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेट अप इन 1854 इन बॉम्बे, राइट नाउ इज मुंबई, वाइल द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट अप इन 1855 इन बंगाल। द्वारकानाथ टैगोर, दिनशाह पेट, जमशेद नशरजन टाटा, शिव नारायण बिरला, सेठ हुकुमचंद एक्सेट्रा वर सम फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द 19th century। द स्कोप ऑफ बिजनेस फॉर द इंडियन मर्चेंट्स बिकम लिमिटेड एज कॉलोनियल पावर गेन कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयड जॉब टू गेट न्यू रिक्रूट्स। The weaver produced variety of clothes ranging from coarse to the finer qualities. The coarse one was produced by the poor while the finer weaver to unite the by the rich. छोटे बुनकरों द्वारा कताई करने के बाद वो बड़े बुनकरों और फैक्ट्रियों में बनने के लिए चली जाती थी। During the First World War, local industry captured by the home market. Advertisement also became a way to spread nationalism message to Swadeshi. Thank you.